सरकार की नई स्कीम भारत बॉन्ड ETF निवेशकों के लिए खुल गई है। यह ETF सरकारी कंपनियों के AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश करेगा। इसका बेंचमार्क निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स होगा। इस ETF के प्रबंधन का जिम्मा ईडलवाइज म्यूचुअल फंड पर है। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे सामान्य म्यूचुअल फंड की तरह छोटे निवेशक आसानी से पैसा लगा सकते हैं। छोटे निवेशकों के लिए यह है FOF सुविधा और लिक्विडिटी के लिहाज से ज्यादा बेहतर है। आपको बता दें कि बैंक और बीमा कंपनियों की इस बॉन्ड में जबरदस्त दिलचस्पी है, इसलिए ये अब तक दोगुने से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। इस पूरे वीडियो में हम आपको भारत ETF बॉन्ड के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताते हैं भारत ETF बॉन्ड के बारे में। सबसे पहली बात है, ये बॉन्ड मार्केट में फिक्स डिपॉजिट के साथ जुड़े रहते हैं। ईडलवाइज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का कहना है कि बॉन्ड के मुकाबले रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ETF की यूनिटों को खरीदना सस्ता रहेगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट फीस के तौर पर महज 0.005% चार्ज वसूलेगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो 2 लाख रुपए के निवेश पर केवल 1 रुपए की फीस होगी, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इस फंड के जरिए 3 लाख निवेशकों को जोड़ लेने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये सिर्फ 20 दिसंबर तक खुला रहेगा, यानी कि सिर्फ 2 डेज, सिर्फ 2 दिन। भारत बॉन्ड ETF सिंपल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक औसत निवेशक पूरे भरोसे के साथ अपना पैसा रख सकता है। इनके रिटर्न का अनुमान लगाना आसान है। इससे होने वाली इनकम टैक्स फ्री तो नहीं होगी, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। दूसरे शब्दों में रिटर्न में महंगाई को एडजस्ट किया जाएगा। नए फंड में रिटेल इन्वेस्टर 1,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। जिन निवेशकों के पास डीमैट नहीं है, वे फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम के जरिए निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम ETF में निवेश करेगी। इशू के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें 8,000 करोड़ रुपए के ओवर अलॉटमेंट का ऑप्शन भी है। इसे खास तौर से लंबी अवधि के निवेशकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भारत बॉन्ड ETF करीब 15 CPSE में निवेश करेगा। किसी एक बॉन्ड में निवेश 15% से ज्यादा नहीं होगा। भारत बॉन्ड ETF 3 साल और 10 साल की फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के 2 निवेश ऑप्शंस देता है। अब हम आपको इससे कुछ जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब देने जा रहे हैं। जो कि आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, उनके जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कम से कम हम इसमें कितना पैसा लगा सकते हैं। इसका जवाब है कि भारत बॉन्ड ETF में कम से कम निवेशक 1,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। इसके बाद 1,000 रुपए के मल्टीपल में निवेश किया जा सकता है। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें 20 दिसंबर तक आप पैसा लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि कितने साल के लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जवाब है कि आप लोग 3 साल और 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट की तारीख से 30 दिन पूरा होने पर या इससे पहले निवेश को भुनाने पर 0.10% एग्जिट लोड लगेगा। हालांकि 30 दिन पूरा होने के बाद आपको रिडेम्पशन या फिर स्विच करने में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब सवाल यह आता है कि क्या FD के मुकाबले भारत बॉन्ड में ज़्यादा पैसा बनेगा। आपको हम बता दें कि अगर कोई छोटा निवेशक चाहे तो भारत ETF बॉन्ड में पैसा लगा सकता है। इसमें FD के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बैंक्स की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। वहीं इस ETF में देश की कई बड़ी AAA रेटिंग वाली सरकारी कंपनीज शामिल हैं। आपको बता दें कि FD में कोई भी निवेशक 5 साल का ब्याज ही लॉक इन कर सकता है, जबकि इस बॉन्ड में 10 साल का ब्याज लॉक इन किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि इस बॉन्ड ETF पर डेट म्यूचुअल फंड की तरह टैक्स लगता है। यानी अगर निवेश को 3 साल से ज्यादा समय के लिए रखा जाता है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% की दर से टैक्स लगता है। वहीं FD पर यह टैक्स 30% बनता है। मान लीजिए अगर आप 1,00,000 रुपए का निवेश करते हैं तो उस पर 7.58% की दर से रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आपका पैसा बढ़कर 2,07,642 रुपए हो जाएगा। फिर इस पर आपको 7,836 रुपए टैक्स के तौर पर चुकाना होंगे। ऐसे में आपको 1,99,806 रुपए मिलेंगे। इसलिए एक्सपर्ट भारत बॉन्ड ETF टैक्स के लिहाज से लंबी अवधि में ज्यादा फायदेमंद है। आखिरी सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, वो ये है कि कई बार लोग पूछते हैं कि छोटे निवेशकों के लिए इसमें क्या है। इसका जवाब है कि इस ETF के प्रबंधन का जिम्मा ईडलवाइज AMP पर है। इस फंड के लिए
इसने फंड ऑफ फंड यानी कि MOF भी लॉन्च किया है। इससे सामान्य म्यूचुअल फंड की तरह खुदरा निवेशकों को निवेश करने की सहूलियत मिलेगी। छोटे निवेशकों के लिए यह FOF सुविधा और लिक्विडिटी के लिहाज से ज्यादा बेहतर है। भारत बॉन्ड ETF में 2023 और 2030 की मैच्योरिटी अवधि है, इस लिहाज से इसकी तुलना फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान और बैंकिंग व PSU फंडों के साथ हो सकती है। डेट म्यूचुअल फंडों के मुकाबले बॉन्ड ETF की कॉस्ट कहीं कम है। इंडेक्स में शामिल बॉन्ड्स को तिमाही आधार पर दोबारा बैलेंस किया जाएगा। भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड उन निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है जिनका डीमैट खाता नहीं है। प्रत्येक बॉन्ड में निवेश इंडेक्स के 15% से ज्यादा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। V4 Innovative को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।